कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, हमारे पास कढ़ाई नहीं है, तो हम इस पैन के अंदर ही ये हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है। और एक कप ऑयल लिया हमने, इसमें हम अपना सबसे पहले अपने चिकन को फ्राई करेंगे और इसके बाद में इसी ऑयल में हम अपनी चिकन वाइट कढ़ाई का जो ग्रेवी है वो भी इसी में रेडी करेंगे। इसमें से हम चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद गर्म हो गया तो उसमें हम ये हमारे पास हाफ के जी चिकन है, हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अपने चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे और जब ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन का इसका कलर हो जाएगा तो हम अपने चिकन को निकाल देंगे। आज हम आपको थोड़ी सी डिफरेंस करना है चिकन वाइट फ्राई बनाना। चिकन को सबसे पहले इसे फ्राई कर रहे हैं कि हमारे चिकन की जो उसमें कच्चा पैन है जो उसकी स्मेल है वो चिकन की स्मेल थोड़ी सी बना है। तो ये दो से तीन मतलब मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको हमने रफली कटिंग करके तो ये बॉयल होने के लिए रख दिया क्योंकि इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी वाइट चिकन की बनेगी। तो ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम इसी पानी के अंदर इस प्याज को ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारी वाइट चिकन की ग्रेवी अदरक है उसका पेस्ट है वो डाल के इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। आपको बताएंगे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमने दो से तीन अदरक प्याज लेके उनको अच्छे से हमने रफली कटिंग कर लिया था और इसको हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल होने के बाद ठंडा ठंडा कर लिया था और उसके बाद हमने उसको ग्राइंड करके तो उस प्याज का हमने स्मूथ सी ग्रेवी रेडी कर ली है। तो इससे हमारी वाइट चिकन कढ़ाई की ग्रेवी के इससे होता है कि उसमें ग्रेवी नहीं बनती है तो चिकन बहुत ड्राई ड्राई रहता है। तो वो इस तरह से अगर आप वाइट चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी माशाल्लाह से उसमें ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और फिर हम इसी ऑयल में अपनी ग्रेवी ऑयल में लहसुन अदरक का ये हमारे पास पेस्ट है उसको ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई स्मेल खत्म हो जाए तो उसके साथ ही हम इसमें जो हमने प्याज की स्मेल की ग्रेवी बना के रखी हुई है पेस्ट बनाया वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया, ये हमने इस शेप में प्याज को कर लिया था तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, इसमें से प्याज की स्मेल भी ऐसे नहीं आएगी और लहसुन अदरक की स्मेल भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। रेडी हो गई है, ये जो हमारे पास चिकन फ्राई किया हुआ था ये हम इसमें दोबारा से ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसको फिर 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको इसमें मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। तो फिर इसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे और लास्ट पे आपको पता है इसमें दही और क्रीम वो ऐड करेंगे। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं। चिकन और ग्रेवी अच्छे से रेडी होगी, अब हम इसमें 3 चम्मच दही के ऐड करेंगे। ये दही हम डाल के इसको अब थोड़ा सा हम फिर इसको इसकी भुनाई करेंगे, दही का पानी जो है उसमें ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा तो मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। ये देखिए इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और इसमें से लहसुन अदरक की स्मेल भी अच्छे से ख़त्म हो गई है। वाइट चिकन कढ़ाई में आपको पता है थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी ग्रेवी और चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, पक गया। ये हमारे पास अब मसाला है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें थोड़ा 1 चम्मच हमने सूखा धनिया है और सफ़ेद मिर्च है और नमक है और सफ़ेद जीरा है। इन तमाम मसालों को अच्छे से ग्राइंड करके घर पर ये एक मिक्सचर सा रेडी कर लिया है। ये हमारे पास 3 टेबलस्पून है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने घर पे ही मसाले रेडी कर लिए थे। तो मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, इसको भूनते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें लास्ट में क्रीम और हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी इसमें ग्रेवी भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त बनी है और हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। हो गया, ये हमारे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम लास्ट में इसमें क्रीम, हमारे पास ऑलबर्ट की क्रीम है, इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फ्राइड चिकन कढ़ाई मज़ेदार की रेडी हुई है। ये हम क्रीम इसमें ऐड कर देते हैं, ये हम इसमें 2 से 3 चम्मच क्रीम के डाल के तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आंच को हमने स्लो कर दिया, आप फ्लेम हल्का कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी वाइट चिकन कढ़ाई
मज़ेदार थी ये देखे माशाल्लाह से लुक वाइज, और इसमें ग्रेवी भी ज़बरदस्त बनी है। और अब हम इसको निकाल के आपको सर्व करके दिखाते हैं, आप इसको नान के साथ खाएं या फिर आप इसको वाइट राइस के साथ खाएं या घर की जो रोटी होती है गंदम की आटे की रोटी उसके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट से स्टाइल में हमने आज आपको ये वाइट चिकन कढ़ाई बनाना सिखाया है। तो हमने इसको गार्निश, ये थोड़ा सा हमने अदरक बारीक बारीक कटिंग करके इस पर ऐड किया और उसमें हमने साबुत सब्ज मिर्चें ऐड की हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें खाने में बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी चिकन वाइट फ्राई रेडी हुई है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।